इतना बड़ा स्टेज लगाया, बढ़िया स्टेज लगाया, एक ऊपर स्टेज पे लिखा, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार स्टेज का वो पूरा दिखाएं, बाबा साहब की स्टेज जो फोटो है वो दिखाएं, और लिखा है कि युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याना जयंती निमित्त है, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में लिखा है। और बाबा साहब ने जो कहा था बहुत अच्छा कहा है। अब हमारे बीच में शकुन बोध जी जो इस संस्था की महासचिव हैं और महिला हैं, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है, हम उनसे बात करते हैं। शकुन बोध जी, आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं, और जो 3 दिन का जो मेला है आज शायद अंतिम मेला है, और आप खुशी जाहिर होती है जब कोई अच्छा काम करते हैं, और आपने शायद बहुत अच्छा काम करा है। नई नई महासचिव बने आप, और अभी मैं आपके अध्यक्ष महोदय से कह रहा था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए अप्रैल आते ही, और दो भारत बंद हुआ जिसके अंदर कुछ पकड़ा दकड़ी हुई, और नाजायज तरीके से नाम लिखे पुलिस ने और पूरी लिस्ट बना रखी है, तो आपका क्या मानना है आज जो प्रोग्राम चल रहा है? सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। बाबा साहब की 127वीं जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं सभी देशवासियों को, आपको भी। और जैसा कि आपको भी बताया हमारे अध्यक्ष जी ने, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया हम सारी समिति ने मिलकर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 2 अप्रैल को जो हमारे लोग निर्दोष लोग जो हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जो हमसे छीने जा रहे हैं लगातार, हमसे हमारे अधिकार जो छीने जा रहे हैं, हम उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, एकजुट एकता आपको देखने को मिली होगी उस टाइम पे। तो उसमें जो निर्दोष लोगों को पकड़ा गया, जेल पूरा मतलब उठा उठा कर पुलिस लेकर चली गई, यहाँ तक कि गाजियाबाद के बहुत सारे लोग उठा लिए, और उसमें जो है मेरा भी, जबकि हमारा तो कोई वो नहीं था, हमारे नाम पर भी FIR इस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई रुका नहीं, भले हम पे जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आ गई, जो हमारी टीम के मेंबर थे जिन्होंने हमने मनोनीत किया था जिनको, उन सबको मोस्टली पुलिस ने उठा लिया फिर भी, लेकिन क्योंकि हमको बाबा साहब का जन्मदिन मनाना था और हमने वो बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें मैंने 100, हमारी पूरी समिति ने 100 महिलाओं को एक जैसी ड्रेस प्रोवाइड कराई, और पंसील का एक बहुत बड़ा झंडा लेकर, और बहुत सारी झांकियां, और सारी एक बाबा साहब का एक रथ, उस पर बाबा साहब को मतलब तथागत बुद्ध को एक एक रथ, तथागत बुद्ध के लिए एक रथ, बाबा साहब के लिए, और बहुत सारी झांकियां, और कंटिन्यू बड़े डिसिप्लिन में हमने लगभग 15 किलोमीटर की पूरे महान जी पैदल मार्च किया, जिसमें हमारी महिलाओं ने बहुत ही डिसिप्लिन दिखाया सबने, पंसील के झंडे को हमने बहुत 100 मीटर का जो लंबा झंडा था उसको लेकर हमारी महिलाएं चली, सबको दोनों जो तथागत बुद्ध के हाथ से निकल रहा था झंडा, और उससे मैं कहूँगी कि शायद गाजियाबाद की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ, ये एक हिस्टोरिकल था, जो कल का दिन था वो बहुत ही खूबसूरत था, और परसों का भी बहुत खूबसूरत दिन था, और मैं अपने सभी समिति के साथियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप एक महिला हैं और पहली जिम्मेदारी मिली है, आपने गाजियाबाद का इतिहास रच दिया है कि आप बहुत पंचशील का जो झंडा था आपने पूरे 15 किलोमीटर तक महिलाओं को पैदल चला के आपने दिखा दिया कि बाबा साहब की जो बात थी, जो महापुरुष कहते हैं कि जो जो जितना शिक्षा लेगा उतना वो धाड़ेगा, एक शेरनी का दूध बता दिया लोगों ने कि ये तो ऐसा शेरनी का दूध है जितना पिएगा उतना धाड़ेगा, और आपने वो धाड़ के दिखा दिया गाजियाबाद के अंदर। जी, क्योंकि बाबा साहब ने ना केवल दलित महिला या बहुजन महिलाओं के लिए किया है, बाबा साहब ने तमाम और जितनी भी हमारे देश में, चाहे वो सर्वण हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी मोमडन हो, चाहे कुछ भी कोई भी जाति की महिलाएं हों, जो जातियों में इन्होंने देश को बांट दिया, लेकिन जाति तो 2 ही होती हैं, फीमेल और मेल, लेकिन भारत में मनुवादी लोगों ने इनको जातियों में बांट के रख दिया, फिर भी बाबा साहब ने ना केवल बहुजन महिलाओं के लिए बल्कि देश की, भारतवर्ष की सभी महिलाओं को शीश पर बैठाया अपने संविधान के जरिए, अपने हिंदू कोड बिल के जरिए, और अगर हम महिलाएं एक साथ हो गई, अभी तो हो गई हैं, और अगली बार बहुत सारी महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। देखने में मिला है कि इस आपके जो प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम है, यहाँ मुस्लिम समुदाय ने भी बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जी, बहुत ज़्यादा, और न केवल मुस्लिम ने, OBC, SC
सी एस टी और मुस्लिम समाज और उसमें बहुत सारे सिखों ने भी हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट किया, बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट किया। और जो मनुवादी शायद ये चाहते थे कि गाजियाबाद में हम धरपकड़ से बाबा साहब की जयंती पर कुछ असर आएगा, लेकिन ये इतिहास में पहली बार है जो कि बाबा साहब की जयंती को इतने बड़े पैमाने पर और 3 दिन से लगातार और एक हिस्टोरिकल जयंती अब की बार मनी बाबा साहब की। जी मैं आपसे कोई अपने वो चैनल के माध्यम से बड़ा ही नहीं करवाऊंगा मैं, लेकिन मन में आता है कि इतना बड़ा 3 दिन से ये बेहद प्रोग्राम चल रहा है, अगर इसको और कोई किसी समाज का प्रोग्राम होता, अगर मैं सीधी सीधी बात कह दूँ जिन्हें आप मनुवाद कहते हैं, अगर यहाँ कोई एक कथा वथा हो रही होती तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तादाद के अंदर आ जाता। बिल्कुल, लेकिन आज बड़े सोचने वाली बात है कि जो मीडिया नहीं दिखा रहा है लेकिन सोशल मीडिया आपको भरपूर तरीके से दिखा रहा है। जी देखिए, सोशल मीडिया को मैं अपनी ताकत समझती हूँ, बहुजन समाज की ताकत है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के हम लोग लिए हम एक क्रांति आई है। अगर छोटा सा भी प्रोग्राम ब्राह्मण लोग कराते हैं तो सारी मीडिया वहाँ जमा हो जाती है। मैं मीडिया से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो सच्चाई को दिखाए, सच्चाई के रास्ते पर चले, कम से कम वो तो जातिवाद ना दिखाए, लोगों को भ्रम में ना पहुँचाए। लेकिन आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, SM न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे बहुजन न्यूज़ है, वो जगह जगह जाकर लोगों को मतलब लोगों की जो प्रोग्राम है, जो सच्चाई है, उसको कंटिन्यू दिखाते हैं। और मैं उनका तहे दिल से, SM न्यूज़ वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज वो हमारे प्रोग्राम में आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।